उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरा हिमाला। अरे के दिखाए, हाँ इसको भी फॉलो कर देना, इंस्टा आईडी दे दूंगा मैं, लड़के तो कर ही लेना इसे फॉलो, लड़के को भरोसा नहीं। शक्ल तो दिखा दे। मैंने आसिफ अली की वापस से वीडियो बनाई, पर आज मैंने नए दोस्तों के साथ बनाई, मतलब नए आपके लिए नए हैं क्योंकि आपने अभी देखा नहीं उन्हें, मेरे तो दोस्त हैं। तो अगर उन वीडियो बनाई है अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा इंट्रो नहीं देता, मिलते हैं वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ऐसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे वैसे तो। हाँ, तो आज हमारे कॉलेज ऑफ हो गया था, आज जो छात्र संघ अध्यक्ष उसने कॉलेज बंद करवाया था आज, तो कॉलेज में पढ़ाई हो नहीं रही थी, लाइब्रेरी भी बंद कर दी थी। तब मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मेरे दोस्त ने उन्होंने कहा कि चलो सिद्धवली भंडारा खाने, तो आज हम भंडारा खाने आ रहे हैं सिद्धवली। वैसे आपने देखा है, पर आज मैं दूसरे दोस्तों के साथ आया हूँ इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ब्लॉग बनाने की, भाई ब्लॉग बना, तो मैंने कहा बना देता हूँ। मेरी वैसे इच्छा नहीं थी आज, पर समझ सकते आप दोस्तों के साथ इसलिए। तो मिलते अभी थोड़ी देर, नारे में पहुँच चुके हैं लाइन में। वैसे अभी तक मैंने अपने दोस्तों से नहीं मिला, अभी मिलाऊंगा थोड़ी देर में, अभी भंडारा लेने। तो अभी बहुत सारे, मतलब पूरा कॉलेज ही पहुंच रखा आज तो, यहाँ आज पूरा कॉलेज, गुलाम राय के मेरे कुछ दोस्त सब है। तो मिलते अभी थोड़ी देर में गाइस। अब हमें भंडारा मिल चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ भंडारे को जरा। तो आपके भाई ने कितना सारा ले रखा है, तुम्हारा भाई लालची है क्या बोला? चलो इससे मिलो, ये बबीता इससे मिल लो आप, अभिषेक वैसे इसके कहने पे आज मैंने व्लॉग बनाया, वरना मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। और भाई टोपी वाले भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तनिष्क, तन्नू बेबी, और वो पीछे अमन भाई, ठीक है, मिल इनसे मिल लो। ये वैसे फेमस होना चाहते नहीं है ये लोग, पर क्या करें, करना पड़ता है थोड़ा। तो गाइस ये गुरराम राय का मेरा दोस्त आयुष, इसकी पैंट देखो, आज लास्ट दिन था गाइस। वैसे आप इससे मिल चुके हो भाई, वैसे बहुत अच्छा गाता है, आपने फॉलो कर दिया होगा भाई को वैसे तो, ठीक है। तो गाइस अभी अभी बंदर ने मेरे पे झपट्टा मार दिया था, मेरे को डर लग रही थी भाई, बहुत डर गया था मैं बहुत ज़्यादा। अभी ये दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो बंदर ने हाथ, वो तो अच्छा हाथ काटा ही नहीं उसने, वो तो खाली उसने अभी मेरे को झपट्टा ही मारा, आवाज़ निकाली, मैं डर गया था बहुत। अरे बहुत मम्मी भाई, बहुत ज़्यादा, बेचारे का कलेजा बाहर निकल गया है। हाँ सही बोल रही है, मेरा निकल ही गया था कलेजा बाहर, वैसे मैंने खाना भी पूरा नहीं खाया, भूख लग रही है, वैसे खाने भी नहीं दिए सालों ने पूरा। तो गाइस अब हम नीचे आ गए ना, तो देखते हैं क्या करेंगे, अभी सोच रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं शायद बोल रहे कुछ खिलाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी ढंग से खाया नहीं, आपको पता ही है बंदर। वो तो अगर उस टाइम अगर वीडियो बनती ना तो भाई, तो गाइस बहुत सही वीडियो बनती, पर कोई था नहीं बनाने वाला, आज रैंडमली अचानक से ही होती है जो चीज़ होती है ऐसे, पर क्या करें अब, था नहीं वरना तो एक्सप्रेशन बहुत तगड़ा मिलता आज, बहुत तगड़ा एक्सप्रेशन मिलता। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे वैसे भी ज़्यादा, तो भंडारा खाने आए थे बस, अब घर चल रहे, तो मिलते भी थोड़ी देर में, घर जाके भी बनाता हूँ एक दो क्लिप, है ना, बनानी पड़ेगी ना क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। देखो अब दिल में ऐसा होता ना धक धक धक, जब से बंदे ने साला हाथ रखा, ये वरना नहीं होता था यार मेरे को, ऐसा पहली बार हो रहा है यार ऐसे। तो आप भी बताओ, अगर मेरी जगह आप होते, बंदर आप अचानक से आप खा रहे होते तो आप क्या करते, कमेंट करके बताना। अगर आप, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल वाला घंटा जरूर दबाएं, और कमेंट तो करके बता देना कि आपको कैसा लगता, वरना भाई बहुत डर लगता है बंदर से, है ना, इंडेक्स लग जाएंगे वरना बहुत, चार पाँच। तो मिलते अभी, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि
मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा मेरा हिमाला से पहले जा गए। ये देखो पता नहीं अब क्या क्या प्लान बनाते हैं यार। चला दे फिर गाड़ी। पता नहीं क्या क्या प्लान बनता रहता है यार, कुछ समझ नहीं आता। एक अलग ही लगे। गाइस अब मैं घर पहुंच गया, देख सकते हो आप अपनी गली में हूँ। चौड़े से चल रहा हूँ, वैसे चौड़े में ही रहता हूँ मैं हमेशा। घर भी आ गया मैं। देखो अब मैं घर पहुँच चुका हूँ। हाँ आपको बता दूँ कि आज कॉलेज के ऑफ था, तो जो छात्र संघ के अध्यक्ष है और जो कांग्रेस के नेता थे तो आज वो कॉलेज में आए। क्योंकि जैसा आप सबको पता ही होगा कि कल या परसों मतलब एक दो दिन में जो देहरादून में युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ कि पेपर लीक हो रही, सरकार पेपर लीक करा रही है सरकार। वो तो मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये इतना बोल रहा हूँ तो उन पर लाठीचार्ज होता है, इसलिए आज इन्होंने उसके विरोध में कॉलेज बंद करा था। ना मैं किसी सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ, ना मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, बस ये बोला था। पर कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए था, ये गलत बात है। अब पेपर लीक हो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, पर ये कि कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए था। बस मैं तो ये कहता हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं बीजेपी, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा। विरोध करना अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है देश में तो विरोध होना चाहिए बाजू से, पर ये गलत तरीका है कि तुम कॉलेज बंद कर दो। हाँ कुछ और करते, रैली निकालते, आंदोलन करते पास ही, पर ज़बरदस्ती कॉलेज बंद कराया ये गलत बात है। पर कोई बात नहीं, हमने थोड़ा मस्ती मान ली, जब क्या कर सकते थे हमने दोस्तों ने बोला चलो क्या करना है दिल्ली कर जाके भी, तो नाम चले गए। अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को आनंद लीजिए बिना रुकावट के। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।